वहीं बीजेपी नेता अशोक उपाध्याय ने गिरिडीह के गांवा स्थित बीजेपी कार्यालय में दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच खाद सामग्री का वितरण किया। मौके पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चिन्हित कर उनके बीच राहत सामग्री का वितरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना काल में हर गरीब के साथ खड़ा है। वहीं मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई लोग उपस्थित थे। इस कोरोना महामारी में गरीबों के बीच में आज आटा का वितरण किया गया, जिसमें हमारे जिला के नेता श्री अशोक उपाध्याय जी आए और हम लोग से जितना बन सका उतने गरीब लोगों को आटा दिए और आने वाले समय में और सभी को जो भी कुछ होगा गरीब के लिए वो तो भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था करेगी। आटा हो, चावल हो, गेहूं हो, हम लोग अपने तरफ से फिर आगे आने वाले समय में करेंगे। गांवा प्रखंड अध्यक्ष के डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गांवा में कुछ जरूरत है कि अभी लॉकडाउन के समय जबकि लोग बहुत दिक्कत में हैं, अभाव में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, हम लोग गरीबों की मदद में खड़े हैं। आज उसी के निमित्त हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ जरूरतमंदों को आटा दिया है, 5-5 किलो आटा है और 15 लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया। आगे भी ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी रहेगा।